हाय फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि आर्क वेल्डिंग कैसे हुआ था और एक आर्क कैसे जनरेट होता है, उसका भी डिटेल्स लॉजिक में आपको समझाया था। जो आप लोग अगर उसे नहीं देखें तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो। टुडे वी विल डिस्कस कि ये गैस वेल्डिंग कैसे होता है और ये जो गैस वेल्डिंग में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कभी कभी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लेम्स भी दिखाई देता है और हर टाइम में क्या गैस वेल्डिंग का वो फ्लेम में सेम टेम्परेचर सेम हीट जनरेट होता है और इसमें वेल्डिंग करने का लॉजिक क्या है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, क्या गैसेस हम लोग यूज करते हैं, वो सारे चीज आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। मे बी योर डाउट्स विच हैज नॉट बीन क्लियर फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द अदर वीडियो लेक्चर्स, टूडे इट विल बी कंप्लीटली क्लियर। सो प्लीज अटेंटिव and look to this one. Okay, so directly मैं आपको पहले ये बता दूं कि एक गैस वेल्डिंग सेटअप में, ये देखिए गैस वेल्डिंग सेटअप दिखाया हूं, इसमें क्या क्या रहता है ना। वी कैन यूज डिफरेंट गैसेस फॉर दिस वेल्डिंग। यू सी वन सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, एसिटिलिन सिलेंडर यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर इज कॉमन बिकॉज यू नो ऑक्सीजन इज हेल्प्स फॉर बर्निंग, तो वो कंस्टेंट रहा। अब जो जल रहा है, सपोज एसिटिलिन जल रहा है, देन वी आर सेइंग दैट ऑक्सी एसिटिलिन गैस वेल्डिंग। अगर एसिटिलिन आप लोग नहीं लेंगे, हाइड्रोजन ले जाएंगे, देन इट इज नोन एज ऑक्सीजन इज कॉन्स्टेंट, देन इट इज नोन एज ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। तो इसी तरह आप एलपीजी भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ में एलपीजी भी का भी वेल्डिंग हो सकता है। ओके, सो ऑक्सीजन इज कॉन्स्टेंट एंड अदर व्हिच इज बर्निंग इटसेल्फ, द गैस इज बर्निंग, दैट गैस वी आर टेकिंग एज अ कंबसेबल गैस दैट वी आर टेकिंग एंड परफॉर्मिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन। नाउ यू सी दिस ब्लू कलर सिलेंडर वी आर यूजिंग, सपोज दिस इज ऑक्सीजन, फॉर आइडेंटिफाइंग यू आई एम टेकन इज अ ब्लू कलर। अदरवाइज ऑल्सो दोनों ही सिलेंडर अलग कलर का भी होता है for identification, and this red color one is the acetylene cylinder. Now you see inke upar mein do regulator laga hai, this is one regulator, this is another regulator, and that is also fixed with safety valves. ये रेगुलेटर में आपको दिखाया देता है कि कितना प्रेशर में गैस जा रहा है एंड ऑल्सो हाउ मच गैस इज प्रेजेंट एज पर द प्रेशर इज कंसर्न, हाउ मच गैस इज प्रेजेंट इन साइड द सिलेंडर, दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो। दैट मीन्स वेन द प्रेशर इट विल शो द सिलेंडर प्रेशर विल जीरो और वेरी वेरी लेस, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू नो कि इसमें और सिलेंडर में गैस नहीं है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। एंड व्हेन यू विल ओपन दिस लीवर, यहाँ पे एक लीवर रहता है, जैसे ही मैं ओपन करूँ तो सिलेंडर से क्या होता है गैस फ्लो होता है थ्रू दिस होस पाइप्स। सो उसमें भी कितना प्रेशर में गैस फ्लो होता है, दैट ऑल्सो शोन बाई दिस रेगुलेटर्स। ओके, एंड वन सेफ्टी वाल्व इज यूज्ड इफ बाई चांस एनी हजार्डस विल अकर, सो ये आग अंदर तक आने नहीं देता है, ये सेफ्टी वाल्व वहीं से ही कट कर देता है। ओके, नाउ दिस रेगुलेटर इज कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ होस पाइप्स यू सी विथ ए टॉर्च बॉडी, टॉर्च बॉडी के साथ में कनेक्टेड है। तो ये टॉर्च बॉडी में क्या होता है, यू सी दिस इज ए मेटालिक डिवाइस, वहां पे दो वाल्व रहता है, होस वाल्व्स, वन टू होस वाल्व्स रहता है, वन फॉर ऑक्सीजन अनदर फॉर एसिटिलिन। सो मैं होस वाल्व को जितना खोलूंगा उतना ऑक्सीजन टॉर्च के अंदर में आएगा, मैं जितना ऑक्सीजन का होस वाल्व ओपन करूंगा उतना ऑक्सीजन अंदर को आ जाएगा, एंड फाइनली देयर इज ए मिक्सिंग चैम्बर, दैट मीन्स द ऑक्सीजन एंड एसिटिलिन विल मिक्स एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द नोजल टिप, इसी को हम लोग बोलते हैं नोजल का टिप है, वहीं से बाहर आ जाता है, एंड इफ यू विल गिव सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन देन दिस गैस विल स्टार्ट। ये मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आग कैसे लगता है, गैस में ये फ्लेम कैसे जनरेट होता है, दैट वी विल डिस्कस। बट व्हाट एवर इन दिस गैस वेल्डिंग सिस्टम और सेटअप, व्हाट एवर द इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर स्पेयर्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ थिंग इज दैट यू सी
सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेल्डिंग ऑपरेशन इन दिस गैस वेल्डिंग, मैं अभी वेल्डिंग ऑपरेशन शुरू करने जा रहा हूँ. सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जैसे कि आप इसको सुन के खुद भी वेल्डिंग का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं. सो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, पहले आई हैव जस्ट गॉन टू दिस वेल्डिंग सेटअप, मैं गया एंड हियर ये जो रेगुलेटर के पास में जो भाल्व था उसको ओपन किया, सो दैट आई एम ओपनिंग द पाथ फॉर दिस एसिटिलिन एंड एज वेल एज द ऑक्सीजन का पाथ को ओपन कर दिया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ये जो होस भाल्व है उसको ओपन करूंगा. अब क्वेश्चन है कि सर मैं एसिटिलिन का होस वाल्व खोल लूंगा या ऑक्सीजन का खोलूंगा या दोनों ही खोल दूंगा, और खोलूंगा तो कितना खोलूंगा. यस, दैट क्वेश्चन विल अराइज. सो मैं क्या करता हूं, यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिलीज द एसिटिलिन होस वाल्व, एसिटिलिन को खोल देता हूं, क्योंकि एसिटिलिन खोल दूंगा तो क्या गैस फ्लेम जल जाएगा ना. यस इट विल द इग्निशन विल स्टार्ट. व्हाई, बिकॉज मे बी नॉट प्योर बट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द एटमोसफियर. एटमोसफियर में भी ऑक्सीजन है. आप माचिस लगाते हैं तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऐसे ही जलता है ना, बिकॉज इन द एटमोसफियर ऑक्सीजन इज अवेलेबल. सो मुझे अभी पता नहीं है कि मैं तुझे कितना ऑक्सीजन में एडजस्ट करूंगा, तो ऑक्सीजन मुझे आगे नहीं खोलना है, पहले एसिटिलिन खोलना है. इफ यू रिक्वायर मैं यू विल ओपन वेरी स्लो ऑक्सीजन, आई विल ओपन सो दैट मोर अमाउंट ऑफ एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन विल कम आउट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इफ नो ऑक्सीजन ऑल्सो, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है, नाउ यू विल जस्ट बाई ए लाइटर और बाई ए मैचिस यू जस्ट give a ignition so that this flame starts burning. Flame शुरू हो जाता है. अब एक कैसा भी एक flame, एक जलना, एक nozzle का tip से एक जलना का process शुरू हो गया. इसके बारे में कैसे जलना शुरू हुआ, now we will go to the details in the chemistry which is very very interesting. हम लोग बात करेंगे. आप लोग देखिए, इससे मैं बोलता हूँ combustion triangle. कंब्यूशन का ये ट्रायंगल है. दैट मीनिंग इज दैट मुझे कंब्यूशन होने के लिए, फायर जलने के लिए, आग लगाने के लिए थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज ऑक्सीजन व्हिच इज हेल्प्स टू बर्निंग, वन इज फ्यूल व्हिच विल बर्न बाय इटसेल्फ, मे बी इट इज एसिटिलिन, मे बी हाइड्रोजन, मे बी एलपीजी, और थर्ड थिंग इज दैट इग्निशन. मैं उसको एक्सटर्नल इग्निशन, दैट मींस ए प्रॉपर टेम्परेचर दिया, प्रॉपर हीट दिया फॉर व्हिच इट इज एबल टू बर्न. सो इसे मैं बोल रहा हूं कंब्यूशन ट्रायंगल, व्हिच इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्यूल एंड इग्निशन, दैट मींस द हीट इट इज रिक्वायर्ड एंड फाइनली यू आर गेटिंग द फायर. सो मेरा अब फ्लेम शुरू हो गया है, फायर शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया है. तब अब क्वेश्चन है, क्या उसी जलने पे मैं वेल्डिंग शुरू कर सकता हूँ, वो जैसे ही जलना शुरू हो गया उसी से ही वेल्डिंग शुरू कर सकता हूँ ना. इससे अभी समझना पड़ेगा. देखिए बात क्या है, ये जो एसिटिलिन है, एसिटिलिन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H2, यू नो ऑक्सीजन इज O2. सबसे अच्छा बर्निंग होके, कंप्लीट बर्निंग होके, कंप्लीट कंब्यूशन होके, अच्छा हीट रिलीज कब होता है ना, व्हेन आई हैव टेकन 2C2H2+5O2, दो पार्ट्स का एसिटिलिन एंड 5 पार्ट्स का ऑक्सीजन जब ले जाता हूँ. तो ये क्या होता है, मैं 2 पार्ट्स का एसिटिलिन 5 पार्ट्स का ऑक्सीजन जैसे ही ले गया, क्या सब एक साथ में जल जाता है, नहीं. अब क्या होता है देखिए, जब मेरा फायर शुरू हो गया था, मैं एसिटिलिन ज़्यादा खोला था, ऑक्सीजन माइनर और नहीं भी खोला था, अब मैं धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू माय फ्लेम जेनरेशन जैसे कि मुझे रिक्वायर है, मैं धीरे धीरे एसिटिलिन भी बढ़ा रहा हूँ और ऑक्सीजन भी बढ़ा रहा हूँ. लेकिन मैं बोला सबसे बढ़िया कहाँ पे कंब्यूशन होता है ना, जब 2 पार्ट्स ऑफ एसिटिलिन एंड 5 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन का साथ में केमिकल रिएक्शन होता है. सो हाउ इट इज केमिकल रिएक्टेड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जलता है 2 पार्ट्स ऑफ एसिटिलिन, दैट मीन 2C2H2+2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, 2O2, इनके अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है. सो दैट यू रिमेंबर, सो दैट यू आर गेटिंग दिस इनर कोन, ये जो व्हाइट वाला मैं लिखा हूँ इनर कोन, ये शुरू हो जाता है. ये इनर कोन आपको व्हाइट वाला इनर कोन दिखाई देता है, व्हिच इज स्ट्रेट लुमिनस इनर कोन.
इसी में शुरू हो जाता है. एंड इट इज द हाइएस्ट टेम्परेचर यू आर गेटिंग बिकॉज प्योर ऑक्सीजन एट द टिप यू आर गेटिंग 99% प्योर ऑक्सीजन यू आर गेटिंग. सो यहाँ पे टू पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड टू पार्ट्स ऑफ एसिटिलिन मिलके ये इनर कोन शुरू हो गया. ये एक एक जोन है, देखिए व्हाइट जोन, रेड जोन, ब्लू जोन करके मैं दिखाया हूँ, एक एक जोन है. सो ये इनर जोन दैट इज व्हाइट कलर, वेरी शार्प पॉइंटेड एंड स्ट्रेट लुमिनस इनर कोन यू आर गेटिंग. सो यहाँ से जो आपका रेसिड्यू मिलता है 2C2H2 एंड 2O2 के साथ में, ना मुझे क्या रेसिड्यू मिल गया, ना मुझे 4CO एंड 2H2 मिल जाता है. 4 पार्ट्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिल गया. तो ये जब मिल गया फास्ट कोन के बाद में, ये जब रेसिड्यू मिल जाता है तो क्या होता है ना, ये आगे में एटमॉस्फेयर से अगेन 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन लेके, एटमॉस्फेयर से 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन लेके, बिकॉज दीज आर अगेन कंब्यूसिबल, 4 पार्ट्स ऑफ दिस कार्बन, 4 पार्ट्स ऑफ दिस कार्बन मोनोक्साइड एंड 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर अगेन कंब्यूसिबल. सो ए एटमॉस्फेयर से 2 पार्ट का ऑक्सीजन लेके अगेन जलना शुरू कर देता है एंड दिस प्रोड्यूसेस ए अनदर जोन. यू सी दिस रेड जोन इट इज क्रिएटेड एंड दिस इज नोन एज द एसिटिलिन फीडर. इसी को हम लोग एसिटिलिन फीडर बोलते हैं, जिसका की हीट ये व्हाइट जोन का हीट से कम रहता है, बिकॉज यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन थोड़ा हमको कम मिलता है. सो ये इसका टेम्परेचर व्हाइट पार्ट से कम रहता है. अगेन इसका जो इसमें जो रेसिड्यूम हमको मिल जाता है, इसमें रेसिड्यूम मिल जाता है कि 4CO है जो कार्बन मोनोक्साइड एंड एटमॉस्फेयर से मैं क्या ले गया ना, 2 पार्ट्स ऑफ का ऑक्सीजन ले गया. सो इनमें से केमिकल रिएक्शन होके मुझे मिल जाता है 4 पार्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4CO2. मैं लिखा यहाँ पर 4 पार्ट्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्लस 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, व्हेन एवर इट विल टेक यू आर गेटिंग द रेसिड्यू 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 पार्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिल गया. अब जो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन था, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन पहले से जो बचा हो के था 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन दैट विल मिक्स्ड विथ कंबाइंड विथ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो कि बच गया एक पार्ट का ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि मैं लिया था, आप लोग देखिए 5 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन लिया था, 2 पार्ट पहला जोन में यूज हुआ, 2 पार्ट सेकेंड में, और जो एक पार्ट का ऑक्सीजन बच गया उसके साथ में रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन इट इज रिएक्टेड यू आर गेटिंग 2 पार्ट्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स, दैट मीन्स वाटर इन वेपर स्टेट. नहीं तो पानी निकलता, आप बोलेंगे पानी कहाँ नहीं निकलेगा ना, इट इज ड्यू टू इट इज वेरी हाई हीट, इट इज इन वेपर स्टेट द वाटर रेसिड्यू 2H2O यू आर गेटिंग वाटर वेपर के तरफ में मिल रहा है. सो दिस इज द थर्ड जोन यू सी. सो इसमें मैं लिखा हूं आउटर एनवलप एंड यू सी दिस आउटर एनवलप में मुझे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन जस्ट 1 पार्ट से, ऑल्दो एसिटिलिन एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो देयर बट मुझे 1 पार्ट का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है. सो हियर द टेम्परेचर इज अगेन डिक्रीजेस देन दैट ऑफ दिस रेड जोन देन दैट ऑफ दिस व्हाइट जोन, टेम्परेचर अगेन डिक्रीज हो जाता है. तो इसीलिए ये फ्लेम क्या करता है, ये चाहता है कि मुझे ऑक्सीजन कैसे मिले और अच्छा से कैसे जलूं. सो ये क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ है ना, एटमॉस्फेयर में है, तो ये एटमॉस्फेयर में सर्च करता है ऑक्सीजन कहीं पे मिल जाए. इसीलिए ये जोन का देखिए ये फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, ये जैसे बाहर के तरफ जाता है, बाहर को फैला हुआ तरफ ऐसे ऐसे होता है जाता है. देखिए दिस इज इन द सर्च ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहां मिल जाए वहां अच्छा जाए. सो दिस इज द थर्ड जोन वी आर गेटिंग दैट इज द आउटर एनवलप एंड दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज नोन एज कार्बोराइजिंग फ्लेम. कार्बोराइजिंग फ्लेम हम लोग बोलते हैं टेक्निकल, यू रिमेंबर कार्बोराइजिंग का फ्लेम का मीनिंग है यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन एंड एसिटिलिन का अगर मैं प्रोपोर्शन करूँ तो एसिटिलिन इज मोर देन दैट ऑफ दिस ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन कम है एसिटिलिन के कंपेरिजन में. सो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम, बिकॉज ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन रिडक्शन है, तो रिड्यूसिंग फ्लेम, और कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं बिकॉज ड्यू टू द
presence of more carbon in this flame due to this acetylene. So, ये जो carburizing flame है, generally you can say that it generates the temperature around 2700 to 2900 degree Celsius. इतना temperature generate करता है, इतना heat generate करता है, 2700 degree Celsius to 2900 degree Celsius. होया, the acetylene amount is more than that of this oxygen amount, so it is known as carburizing or reducing flame. अब क्या हुआ, अब ऐसे फ्लेम तो मुझे मिल गया, ऐसे फ्लेम अगर मुझे मिल जाए ये कहां पे यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं ये कहां पे हम लोग यूज करते हैं. ऐसे फ्लेम में अगर मैं वेल्डिंग शुरू कर दूंगा, देन व्हाट्स हैपेंड व्हेन एवर आई एम वेल्डिंग विद दिस फेरस मेटल्स, जहां पे कि आयरन कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट, जब मैं फेरस मेटल में वेल्डिंग करता हूं, यू मे टेक माइल्ड स्टील में वेल्डिंग कर रहा हूं, सो व्हाट्स हैपेंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिटिलीन व्हाट इट इज प्रेजेंट इन दिस फ्लेम दैट इज डिपोजिटेड इन द बेस मेटल में डिपॉजिट हो जाता है. अगर कार्बन बेस मेटल में डिपॉजिट हो गया तो क्या होता है, we know that by adding carbon into a metal, iron में अगर मैं carbon add करूँगा, then the metal will be more hard and also brittle in nature, brittle हो जाता है. इसीलिए बोलता हूँ iron में 2% से ज़्यादा carbon रहेगा तो क्या हो जाता है, cast iron, 2% less iron, then it is coming to steel range. Yes or no? So यहाँ पे ये जो carbon acetylene से जो carbon ज़्यादा मिला, whenever I am welding, that is deposited over this base metal. So this base metal is getting more carbon, so the base metal is harder as well as it is tends to brittle हो जाता है. Okay, that is the property I am getting. So second one, जब मुझे ऐसे carburizing का flame मिल गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ना acetylene कम है carburizing flame में, तो oxygen का amount थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये valve से hose valve खोल के oxygen amount मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ. तो अब अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दिया, यू मे अज्यूम दैट 1:1 रेशियो, एसिटिलीन जितना है ऑक्सीजन भी उतना है, उतना जब मुझे मिल जाता है, सो व्हाट विल हैपन, दिस थर्ड जोन ए जो रिड्यूसिंग जोन था ये डिसअपीयर हो जाता है. सो दो ही जोन मुझे मिलता है, एक तो इनर जोन जिसमें कि प्योर ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और एक बाहर जोन, और इसमें इस इराटिक बिहेवियर ऑफ दिस फ्लेम इज नॉट शोन एज दिस थर्ड जोन इज नॉट देयर. एंड यू हैव सीन दैट ये दो जोन में मैं टेम्परेचर फारेनहाइट डिग्री में दिखा दिया हूँ. इनर कोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री फारेनहाइट, उसके आगे और थोड़ा कम टेम्परेचर 3800 डिग्री फारेनहाइट, और पूरा आगे 2300 डिग्री फारेनहाइट. जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इनर कोन से, ऑक्सीजन लेवल इज लेस, सो द हीट इज आल्सो लेस. ओके, सो दिस वन, दिस न्यूट्रल फ्लेम, जैसे ही मैं ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया, 1:1 प्रोपोर्शन हो गया, तो इसमें न्यूट्रल फ्लेम कैसे ना थोड़ा हिसिंग साउंड आता है, ऐसे हिसिंग साउंड आता है, आपको पता चल जाएगा फ्लेम का साउंड से कि अभी मैं कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज कर रहा हूं और या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर रहा हूं. ये दिस इज वन इज द न्यूट्रल फ्लेम यूज कर रहा हूँ. कार्बोराइजिंग फ्लेम इज कंप्लीटली साइलेंट, इसमें कोई साउंड नहीं रहता है, बट जैसे ही न्यूट्रल फ्लेम को आया, इसमें थोड़ा हिसिंग साउंड इज कमिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन. ओके, नाउ दिस ऑक्सीडाइज फ्लेम और दिस नॉट ऑक्सीडाइज फ्लेम, दिस इज द न्यूट्रल फ्लेम बिकॉज 1:1 रेशियो. सो दिस इज वेन एवर वी आर यूजिंग इन केस ऑफ दिस वेल्डिंग, द बेस मेटेरियल रिटेन्स इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी बिकॉज इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इफेक्ट नहीं रहता है बेस मेटल का, तो बेस मेटल का प्रॉपर्टी ऐसे ही रिटेन रहता है. ओके, इफ आई विल अगेन इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और भी थोड़ा बढ़ा दिया, एसिटिलीन भी बढ़ाइए, बट इसके प्रोपोर्शन से ऑक्सीजन अगर ज्यादा बढ़ा दिया, अब ऑक्सीजन 1:1 प्रोपोर्शन में नहीं है, मे बी 1.1, 1.2, 1.5 या 2:1 है. सपोज ऑक्सीजन इज 1.5 एंड 1% इज योर एसिटिलीन, सो हियर द ऑक्सीजन अमाउंट इज मोर, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम, इसी को बोलते हैं. और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दिस फ्लेम इज क्रिएट्स ए वेरी लाउड रोआर साउंड, इज मोर ऑक्सीजन इज दैट रोआर साउंड करके चलेगा,
ऐसे साउंड करके चलेगा एंड यू कैन एबल टू एनालाइज, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फ्लेम का साउंड से, जोर से साउंड होगा एंड दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज हियर मोर, सो यू विल फाइंड ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यहाँ पे भी टू ही जोन है और इनर कोन इज कंप्लीटली पॉइंटेड बिकॉज वेरी वेरी हाई हीट विल बी जनरेटेड ओवर हियर, मोर ऑक्सीजन एंड द आउटर कोन इज ए जस्ट यू कैन से द ग्रीन लाइक color will come and it is very high temperature, that is the outer envelope. So inner zone mein sabse zyada temperature aur outer zone mein bhi thoda zyada temperature, inner zone se kam but zyada temperature hi rehta hai and that is the oxidizing flame. Here the oxygen proportion is more than that of this acetylene. Okay, now this type of flame if we will use in the welding purposes, what's happened? Now ye welding ka jo molten metal hum log जो मेटल मेल्ट कर देता है इसको ये जल्दी ही ऑक्सीडाइज कर देता है बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ये जल्दी जल्दी जला देता है, बर्न कर देता है एंड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड एक डिपोजिट हो जाता है. सो हियर मेनली द फेरस मेटल्स यू कैन से कॉपर एंड यू कैन से जिंक एंड यू कैन से ब्रास, दीज मेटल्स विल बी वेल्डेड वेयर यू वेरी क्विकली इट बर्न्स एंड ऑक्सीडाइज, सो ये एटमोस्फेयर से भी सेव करता है. ओके, नाउ यू एबल टू नो दैट थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आर देयर. इफ 1:1 प्रोपोर्शन ऑक्सीजन एसिटिल न्यूट्रल फ्लेम, इफ ऑक्सीजन प्रोपोर्शन इज डिक्रीजेस देन कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम, इफ ऑक्सीजन प्रोपोर्शन इंक्रीजेस देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. सबसे ज्यादा टेम्परेचर हीट जनरेट होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, उससे कम जनरेट होता है न्यूट्रल फ्लेम में, उससे कम जनरेट होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में. और कार्बोराइजिंग फ्लेम इज ए साइलेंट ऑपरेशन एंड न्यूट्रल फ्लेम इज ए स्मॉल नॉइज इज कमिंग साउंड ऑपरेशन आता है एंड लाउड रोयर नॉइज यू विल गेट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. सो अब एक कंप्लीट लेक्चर में आपको पता चल गया कि हाउ टू स्टार्ट विद दिस वेल्डिंग एंड व्हाट इज द वेल्डिंग ट्रायंगल एंड हाउ टू जेनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आर यूज फॉर व्हिच स्पेशल पर्पजेस दैट यू एबल टू नो. ओके, सो इसमें आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ कि नहीं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वन, थैंक्स ए लॉट.